दोस्तों कैलिफोर्निकेशन मूवी के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैरन के घर से वापस आने के बाद हैंक अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद करके काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और आज मैं कैलिफोर्निकेशन मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने कैलिफोर्निकेशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कैलिफोर्निकेशन पार्ट 2। तो मूवी की शुरुआत में हम कैरन और हैंक दोनों को एक साथ देखते हैं और एक जगह रेड लाइट पर रुकने के बाद कैरन हैंक से पूछती कि तुम इतने समय से क्या सोच रहे हो, जिस पर हैंक उससे कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये शहर कितना बेकार है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैंने अभी तक एक भी वर्ड नहीं लिखा। ये सुनकर कैरन उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब हैंक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी भी न्यूयॉर्क को मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद कैरन हैंक के नजदीक आते हुए उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी हैंक अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और हम देख पाते हैं कि हैंक अपनी गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था। तभी पास की गाड़ी बैठी एक लड़की हैंक से पूछती है कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे, जिस पर हैंक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो बस काम ही ऐसा है। ये सुनकर वो लड़की हैंक से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तब हैंक उससे कहता है कि मैं एक राइटर हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसे कुछ देते हुए कहती है कि मेरे पास लिखने के लिए तुम्हारे लिए कुछ है। असल में उस लड़की ने हैंक को अपने घर का एड्रेस दिया था। इसके बाद हैंक कैरन और रिबेका से मिलने बिल के घर चला जाता है। यहाँ पर बिल उससे कहते है कि रिबेका तुमसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन हैंक इतनी आसानी से घर जाने वाला नहीं था, इसीलिए हैंक बिल के घर के अंदर चला जाता है और रिबेका को आवाज लगाने लगता है। तभी वहाँ पर कैरन आ जाती है। हैंक कैरन को हग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल के पास चली जाती है। तभी वहाँ पर रिबेका भी आ जाती है। इसके बाद रिबेका हैंक से कहती कि मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आपके नॉवल पर बनी हुई मूवी को देखना चाहूंगी। इसके बाद कैरन हैंक से कहती है कि क्या तुम शनिवार की रात को यहाँ आ सकते हो, क्योंकि शनिवार को यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं। इस पर रिबेका कहती है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि अंकल चार्ली और आंट मर्सी हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि वो आपके एक अच्छे दोस्त हैं और अंकल चार्ली आपके एक अच्छे एजेंट हैं। और बिल भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैरन हैंक से कहती है कि तुम पार्टी में अपनी किसी डेट को भी अपने साथ लेकर आ सकते हो। इस पर हैंक उससे कहता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे किसी और के साथ देखकर खुद को संभाल नहीं पाओगी। इस पर कैरन कहती है कि हाँ, ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। ये सुनकर हैंक उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली। तभी बिल उनसे कहता है कि मैं अभी भी यहीं पर खड़ा हूँ। तभी कैरन उससे कहती है कि तुम्हें अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए क्योंकि इस सब का रिबेका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद हैंक उनसे कहता है कि मैं पार्टी पर जरूर आऊंगा, और इतना कहकर हैंक वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम हैंक को चार्ली के साथ उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर हैंक चार्ली से कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट काफी हॉट है, जिस पर चार्ली हैंक से कहता है कि मेरी असिस्टेंट किसी भी काम की नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर मेरे कामों को खराब कर देती है। लेकिन अभी भी हैंक चार्ली के असिस्टेंट में काफी इंटरेस्टेड था। इसके बाद चार्ली उससे कहता है कि मेरी असिस्टेंट को छोड़ो, किसी बिजनेस टॉपिक पर बात करते हैं। वो उससे कहता है कि बताओ अगली बुक कब आ रही है। अब हैंक यहाँ पर चार्ली के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। इस पर चार्ली उससे कहता है कि तुमने एक बुक पब्लिशर को हायर किया था और उस समय पर रिबेका एक छोटी बच्ची थी, लेकिन तुमने अभी तक उस बुक को लिखना भी शुरू नहीं किया। इसके बाद चार्ली हैंक से कहता है कि तुम्हें एक नौकरी की सख्त जरूरत है और हेले मैगजीन इसके लिए अभी भी तैयार है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए ब्लॉग करो। तभी वहाँ पर चार्ली की असिस्टेंट भी आ जाती है। इसके बाद हैंक चार्ली के असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हेले मैगजीन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पर चार्ली की असिस्टेंट उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद शाम को बार में हैंक एक औरत से मिलता है जो कि हेले मैगजीन में काम करती है। वो औरत हैंक से कहती है कि एले सिटी को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम एक राइटर हो और तुम्हें हमारे साथ मिलकर हेले मैगजीन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके बाद वो औरत वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी हैंक उससे कहता है कि मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ और भी होगा। इस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी क्योंकि मैं पहले से ही एक रिलेशनशिप में हूँ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर हैंक अपनी जेब से उस रोड वाली लेडी का लेटर निकालता है और उसके पास चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर रोमांस करने लगते हैं। और जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ती है तभी हैंक की नजर वहाँ पड़ी एक वीडियो टैप पर पड़ती है, जिससे हैंक को पता चलता है कि वो लड़की एक पोर्न स्टार है। तभी वो लड़की हैंक से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शायद मुझे पहचान गए होगे। इसके बाद हैंक को यहाँ पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। इस पर वो लड़की कहती है कि ये मेरी डॉटर की आवाज है और थोड़े समय बाद वो खुद ही चुप हो जाएगी। इसके बाद हैंक उससे कहता है कि जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखो,
और वहाँ से वापस सीधा अपने घर आ जाता है। अब रात को हैंक हेले मैगजीन के लिए एक ब्लॉग लिखना शुरू करता है और अगली सुबह उस ब्लॉग को पूरा करके हेले मैगजीन को सेंड कर देता है। लेकिन ये हेले मैगजीन के लिए हैंक की तरफ से एक स्टूपिड ब्लॉग था। इसके बाद दोपहर को हैंक पार्टी में बिल के घर चला जाता है और यहाँ पर हैंक की मुलाकात बिल की डॉटर मिया से होती है, जो कि अपने घर के पूल में नहा रही थी। और यहाँ पर मिया हैंक को अपनी बातों से तंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस रात हैंक नहीं जानता था कि मिया एक 16 साल की लड़की है। तभी यहाँ पर बिल आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े पहन लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पार्टी के सभी गेस्ट आ चुके हैं। इस पर मिया अपने डैड से कहती कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ है जो इन्होंने पहले कभी ना देखा हो। इसके बाद बिल हैंक से कहता है कि पार्टी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। इससे पहले हैंक उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये समझाने वाले हो कि मैं चुपचाप एक कुर्सी पर बैठकर तुम्हें मुझसे मेरी फैमिली को छीनते हुए देखूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी कैरन अपनी दोस्त सोनिया के साथ उन दोनों के पास पहुंचती है और सोनिया को हैंक से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर सोनिया हैंक की तारीफ करते हुए कहती कि मैंने तुम्हारे नॉवल पढ़े हैं। इसके बाद हैंक कैरन से अकेले में बात करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इस औरत के नजदीक लाने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर कैरन उससे कहती है कि पार्टी एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई तो होना चाहिए और तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिल के साथ शादी करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। अब थोड़े टाइम बाद सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर खाने की टेबल पर सोनिया और मियाँ दोनों हैंक को टच करने लगती हैं, जिससे खाने की टेबल पर हैंक को थोड़ी परेशानी होती है। इसके बाद सोनिया कैरन और बिल से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछती है। इस पर हैंक बिल का मजाक उड़ाने के लिए एक स्टूपिड सी स्टोरी सुनाने लगता है। इसके बाद मियाँ हैंक से पूछती है कि तुम और कैरन पहली बार कैसे मिले थे, जिस बात पर रेबेका हैंक और कैरन की एक प्यारी सी लव स्टोरी सुनाती है। तभी मियाँ का बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाता है। इसके बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद शाम को हैंक अपनी बेटी रेबेका से बात करता है। यहाँ पर रेबेका कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आप यहीं पर मेरे साथ रुकेंगे। यहाँ पर रेबेका हैंक को बताती है कि मैं कभी कभी प्रे करती हूँ कि आप दोनों एक साथ मिलकर वापस से न्यूयॉर्क चले जाएं। और ये सुनते ही हैंक भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब रात को ड्रिंक के नशे में हैंक की मुलाकात फिर से सोनिया से होती है। इसके बाद सोनिया हैंक को एक कमरे में लेकर चली जाती है। यहाँ पर सोनिया हैंक से कहती है कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। इसके बाद सोनिया अपने कपड़े उतारते हुए हैंक से पूछती है कि तुम्हें मेरी बॉडी को देखकर क्या लगता है, और मेरी उम्र तकरीबन 40 हो चुकी है। इस पर हैंक उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है और इतनी सुंदर औरत को देखे हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है। इसके बाद सोनिया हैंक से कहती है कि चलो फिर आगे बढ़ो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। उधर मर्सी अकेले में कैरन से पूछती है कि क्या तुम सच में बिल से शादी करने वाली हो। इस पर कैरन कहती है कि हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बिल मुझसे प्यार करता है और मैं बिल से, और वो मेरी डॉटर रेबेका को भी काफी पसंद करता है। इस पर मर्सी कहती है कि बाद में हैंक का क्या होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए अपनी आदतों को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस पर कैरन कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। इधर सोनिया के साथ रोमांस करते हुए नशे की हालत में हैंक का सर एक दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद हैंक बिल की खरीदी हुई पेंटिंग पर उल्टी कर देता है। तभी वहाँ पर बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं और उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर कैरन काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद आधी रात को हैंक अपने घर वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आता है। तभी वहाँ पर मिया भी अपने घर वापस आ जाती है, जो कि हैंक को परेशान करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद हैंक मिया से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तब मिया हैंक के नजदीक आने की कोशिश करती है। तभी हैंक उसे दूर करते हुए कहता है कि उस रात जो भी हमारे बीच हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है। इस पर मिया उससे कहती है कि जिस आदमी को तुम पसंद नहीं करते और उसका एम्प्लॉय बनना कितना अजीब है। तभी हैंक उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर मिया उसे बताती है कि मेरे फादर हेले मैगजीन के ऑनर हैं। और इसके बाद मिया अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हैंक फिर से एक बार काफी ज्यादा सैड हो जाता है और फिर से कैरन के ख्यालों में खो जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।